हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है भूमि तो भूमि फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले है इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे हमें इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ वहीं पे इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है सपोर्टिंग कास्ट है उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एज सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु प्रारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिरसिस्ट के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज़ के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन हाथ बेनी सांडलिया और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ हाँ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तो राजय कोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था राहत फतेह अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स एमेजोन प्राइम वीडियो के पास है सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पे सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन

और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु प्रारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर कक्कर दयाल और बादशाह गाने में सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय कोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पे एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को 136 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पे सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जिगर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों के लेंथ ईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैर राइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पे इन गानों को 28 अगस्त 2017 को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के पर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे, रेप के ने लिखे थे सिंगर ककर, बेनी प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सिंह ने लिखे हुए थे जय करके सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया सचेत परंपरा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एज सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज़ के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया ने लिखे हुए थे प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया होता संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया होता सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओ टी टी के ऊपर तो ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विध इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स वहीं परलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है आरतू जुराबासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए है इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु परि रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था Donkho發, इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन कक्कर बेनी दयाल ब्रिजेश और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनीता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया सचेत ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स टी राइटॉन प्राइम विडियो के पास है सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म का आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पे फिल्म की सीनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पे एडिटिंग की हुई जयेश सिर ने जिन्होंने इस फिल्म को 136 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इसमाइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कम्पोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु प्रारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन कक्कर बेनी दयाल ब्रिजेश सांडलिया और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थी चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनीता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय कोोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो का जो कलेक्शन है करीबन 15 से करोड़ के बीच का रहा था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स एमेजोन प्राइम विडियो के पास है सेटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल वहीं पे सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई है सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वजन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लिवन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तोले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक दिया सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत ने गाया था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाठक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई आरतो आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहां जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पे इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में

ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था

तो भूमि फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है आरतू जुराबासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए है इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिद्धि सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन कक्कर बेनी दयाल ब्रिजेश और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर

और फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को बाईस सितंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था

तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम मीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा इंग्लिश सब्सक्रिप्शन वहीं पर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लिवन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज़ के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तीन गकर, बेनी दयाल और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय कोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पे एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को 136 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के फाज है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वजन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूर्व चीफ ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुपरारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहा पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जिगर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज़ के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पर टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे प्रिया थे सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तरा जय ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और सुरुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के OTT राइट्स के ऊपर तो OTT राइट्स, राइट्स तो भूमि फिल्म आपको OTT के हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एस सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सीनेमेटोग्राफी की हुई आरतो जोसिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई है जहेस सिर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहां जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पे इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया ने लिखे हुए थे, रेप के लिरिक्स ने थे। सिंगर बेनी प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया होता संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया होता सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइटॉन प्राइम के पास है सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन वहीं पे वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू जुर्वासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ जो है जो अरुण सचदेव की बेटी रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु परि रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जिगर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पे इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन हा कक्कर बेनी दयाल ब्रिजेश और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया तो सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया है। वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनीता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तौरा जय गोग वाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया प्रयासरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और सुरतीफ फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स टी राइट अमेजोन प्राइम विडियो के पास है सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जहेस सिर खान ने जिन्होंने इस फिल्म को 136 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 16 मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के फास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु प्रारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के, के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर कक्कर दयाल और बादशाह ट्रिपी -ट्रिपी गाने में सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थी चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय कोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई आरतो आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जहेस सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पे सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीगर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों के लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैर राइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पे इन गानों को 28 अगस्त 2017 को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के पर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे, थे प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तोरा जय गोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और सुरुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही ख़त्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई है सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्ड फ्रेंड है वहीं पे सन्नी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिरट के पास गाने लिखवाए गए थे गानों के मिनट सेकंड टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैर राइज में राइड्स रखे हुए वहीं पे इन गानों को 28 अगस्त 2017 को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के पर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह बादशाह ने ने लिखे हुए थे सिंगर दयाल ब्रिजेश सांडलिया और ट्रिपी ट्रिपी गाने में ने अपना बादशाहफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया है वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया होता संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया होता सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के OTT राइट्स के ऊपर तो OTT राइट्स, राइट्स तो भूमि फिल्म आपको OTT वीडियो के हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विध इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको Prime वीडियो के देखने को मिलेगा चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है आरतू जुराबासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए है इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु परि रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिरसिस्ट के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर तेन कक्कर बेनी दयाल ब्रिजेश और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में ही सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनीता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायहल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था राहत फतेह अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था

तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल वहीं पे वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो दो हजार सत्रह की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको सोनी मेक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिले लेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु प्रारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए हैं वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिके ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर कक्कर दयाल और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया है वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थी चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक दिया सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पे फिल्म की सीनेमेटोग्राफी की हुई आरतो आरतू ने वहीं पे एडिटिंग की हुई है जहेस सिर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज के पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लिवन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया है, वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तौरा जय कोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पांच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहाँ इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर तो ओ टी टी राइट्स एमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है सेटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पे सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई आरतो आरतू जुरवासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए के के टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए जहां जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पे इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके के ने लिखे हुए थे। रेप के लिरिक्स प्रिया सरैया ट्रिपी -ट्रिपी को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया होता संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया होता सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वह करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के OTT राइट्स के ऊपर तो OTT राइट्स सोनी नेटवर्क के पास है, के पास है, के पास है। तो फिल्म आपको OTT के उपर, हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विध इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में

इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एस सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू जुर्वासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी है रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लियन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैराइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में क्या हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी, जिसके लिरिक्स प्रिया बेनी दयाल, लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थी चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनवी ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तोरा जय कोगवाले ने सातवां गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फते खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन है लाइफ टाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स अमेजोन प्राइम विडियो के पास है सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर सेटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगा इंग्लिश सब्सक्रिप्शन वहीं पर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज़ फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जयेश सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पी सनी लिवन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते हैं फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड सीरीज के पास अच्छी खासी में राइट्स रखे हुए वहीं पे इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो हजार सत्रह को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के पर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे रेप के लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे सिंगर कक्कर दयाल और बादशाह ट्रिपी ट्रिपी गाने में सनी लियोन ने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ था लग जा गले गाने को प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थी चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर

और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने हैं जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आई पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था

तो भूमि फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम मीडियो के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे सैटेलाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओ टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप एच सिंह और कृष्णा कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू ने वहीं पर एडिटिंग की हुई जहेस सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रीति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पूरू चिप्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरु परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्डहुड फ्रेंड है वहीं पर सनी लिंग का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग स्पेक के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जिगर ने वहीं पे अलग अलग लिर के पास गाने लिखवाए गए थे गानों की टोटल लेंथ बत्तीस मिनट तेईस सेकंड है टी सीरीज़ के पास अच्छी खासी पैरइज में राइट्स रखे हुए है वहीं पर इन गानों को अट्ठाईस अगस्त दो को यूट्यूब पर टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया लिखे हुए थे प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और ज्वनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्तोरा जय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया हुआ था सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेह अली खान और सुरुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था

तो भूमि फिल्म आपको और के हिंदी वर्जन में, देखने को मिल जाएगी। सब पे में एक बार फिर भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको के देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का सैटेलाइट वर्जन आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से भूमि फिल्म को आप ऑफिशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे भूमि जो 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है ओमांग कुमार ने जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को भूषण कुमार संदीप ए सिंह और कृष्ण कुमार इन तीन लोगों ने मिलकर एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है टी सीरीज फिल्म्स और लीजेंड स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने जिन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था वहीं पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है आरतू जुर्वासिक ने वहीं पर एडिटिंग की हुई है सिरखाने ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सोलह मिनट की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस्माइल दरबार ने दिया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज के ही पास है वहीं पे फिल्म में अलग अलग वर्जन गाने के क्रिएट किए हुए और वो सभी वर्जन के जो गाने वो टोटल होते हैं करीबन सात से आठ आठ गाने और उन सभी वर्जन के जो राइट्स है वो टी सीरीज के ही पास है इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो संजय दत्त देखने को मिलेंगे लीड रोल में जिन्होंने अरुण सचदेव ए के बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अदिति राव हैदरी को भूमि सचदेव का रोल दिया हुआ है जो अरुण सचदेव की बेटी रिति सेन ने जीतू का रोल प्ले किया हुआ है शरद केलकर को धोली का रोल दिया गया था सिद्धांत गुप्ता को नीरज माथुर का रोल दिया गया था पुरू चिब्बर ने इस फिल्म में विशाल मुंशी का रोल प्ले किया हुआ है साक्षी द्विवेदी को दिया का रोल दिया गया था शेखर सुमन को तिरुप परारी रताज मिश्रा का रोल दिया गया था जो अरुण के चाइल्ड फ्रेंड है वहीं पे सनी लियोन का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा ट्रिपी ट्रिपी गाने में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है लीड कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे सभी किरदार कहानी के मेन पात्र थे जिससे कहानी आगे बढ़ती है अब हम बात कर लेते हैं और भी अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे साउंड ट्रैक से शुरुआत करते फिल्म में टोटल आठ गाने जहाँ पे सभी गानों की कंपोजिशन है वो करवाई वो की हुई है सचिन जीकर ने वहीं पे अलग अलग लिरट के पास गाने लिखवाए गए थे गानों के सेकंड टी सीरीज के पास अच्छी खासी पैर राइज में राइड्स रखे हुए वहीं पे इन गानों को 28 अगस्त 2017 को यूट्यूब पे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के पर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का पहला गाना है ट्रिपी ट्रिपी जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे प्रिया सरैया ने लिखा हुआ है राहत फतेह अली खान ने गाया हुआ है खो दिया वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर सचिन सांगवी थे चौथा गाना है विल्यू मेरी में उसके लिरिक्स अनविता दत्त ने लिखे हुए थे सिंगर दिव्या कुमार और जोनिता गांधी थे पांचवा गाना दाग जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने और सुखविंदर सिंह ने लिखे हुए थे जय माता जी करके जो गाना है उसके लिरिक्स वायु और उत्कर्ष नई थानी ने लिखे हुए थे वहीं पे गाया हुआ था संजय दत्त और अजय गोगवाले ने सातवा गाना है मेरे बाद म्यूजिक को उसका दिया सचेत परम्परा ने लिरिक्स लिखे थे सचेत परम्परा ने गाया हुआ था पायल देव ने लग जा गले डुएट वर्जन के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे गाया हुआ था रात फतेहे अली खान और श्रुति फाटक ने तो इस तरह से टोटल आठ गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 22 सितंबर 2017 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था फिल्म का मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले जब ट्रेलर आया था तो फिल्म को एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ट्रेलर को लेकिन फिल्म को एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे फिल्म को आईएमडी पे करीबन 1900 वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने एक डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी उसके बाद में एक ठीक ठाक रन लिया हुआ था इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है लाइफटाइम का वो करीबन पंद्रह से सत्रह करोड़ के बीच का रहा था जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म का जो रन टाइम था वो शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया था अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइट एमेजोन प्राइम वीडियो के पास है सेटेलाइट राइट सोनी मैक्स के पास है सोनी नेटवर्क के पास है तो भूमि फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम के ऊपर हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन वहीं पे वर्जन आपको देखने को मिलेगा सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि भूमि जो 2017 की फिल्म है संजय दत्त वाली उसका हिंदी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

किया हुआ है जहाँ पे मैंने फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दी हुई है फिल्म से जुड़े सभी तथ्य मैंने आपके साथ शेयर कर दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू